प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यार से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 पे जिसका ही चैप्टर ऑफ फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, तो देखिए उसका आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा देखिए, पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए आपको उसको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इसकी डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट इंपोर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। बेटा इसमें सिग्निफिकेंट बेटा किस चीज़ में हेल्प करता है, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यूज है उसकी कितनी प्रिसाइज वैल्यू है और कितनी बेटा उसकी आपकी एक्यूरेट वैल्यू है ऑफ द मेजरमेंट सच एज लेंथ, मास, वॉल्यूम, है ना, कोई मास है, वॉल्यूम है, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी उसकी प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने में सिग्निफिकेंट अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मैथ कन्वे द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्यूरेसी। बेटा किस के बारे में बताता है आपको, ये एक्यूरेसी के बारे में बताता है। They are considered significant figures that contribute the precision of a number. बेटा किस चीज में contribution बेटा करता है आपका significant, आपका ये precision value को find करने में help करता है। तो देखो आपको प्यारे बच्चों इसमें कुछ rules आपको है। तो first rule देखो आपको screen पर दिखाई दे रहा है, all non-zero digits are the significant figures। बेटा जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है बेटा क्या होती है आपकी significant figures होती है। It means देखिए इसमें example आपको दे रखा है 4, 3, 6, 2। तो देखिए 4, 3, 6, 2 बेटा कैसी क्वांटिटी है आपकी, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट क्वांटिटी है। तो उसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ बेटा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितनी आपकी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो बेटा कैसी क्वांटिटी बेटा आपकी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली क्वांटिटी होगी। ये आपका रूल बेटा फर्स्ट हो गया, है ना। अब देखिए रूल सेकेंड बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, All zeros occurs between non-zero digits are significant figures. It means बेटा क्या कहना चाह रहा है इसमें, एग्जाम्पल आपका है 1005। तो देखिए 00, देखो 00 क्या है बेटा आपका, ये नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 और 5 के कहाँ बेटा है, बीच में है बेटा, कहाँ पर आपका है, ये इनके बीच में है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, काउंट हो जाएगा। इट मीन्स इस केस में आपका 1, 2, 3, 4। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या होगा आपका, आपका 4 होगा, क्योंकि 0 बेटा अभी आपका नॉन जीरो डिजिट के कहां पे बेटा, इसके बीच में है। तो ये बेटा आपका सेकंड रूल हो गया, है ना। अब देखिए थर्ड रूल की बेटा बात करते हैं आपकी। तो देखिए थर्ड रूल बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर द नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो उसमें क्या कह रहा है, इसमें एग्जांपल आपका है 6250। तो देखिए जो ये रहा जीरो है ना बेटा आपका, ये नॉन जीरो डिजिट के राइट में है बेटा, कहां पर है इसके, इसके राइट में है, है ना, ये बिल्कुल अकेला है, है ना, बिल्कुल लास्ट में राइट में है। तो ये बेटा इन दिस केस आपका ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट आपका नहीं होगा। तो 1, 2, 3। तो इस केस में जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा आपकी होंगे बेटा कितनी होंगी, ओनली आपकी 3 होंगी। यही रूल आपका देखो बोल रहा है कि जो आपका राइट वाला जीरो है, नॉन जीरो के राइट वाला, वो बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 होता, सपोज कोई नंबर होता, तो देखिए अभी 0, 5 और 5 के बीच में आ गया, तो अब हम इस केस में इसको काउंट करते हैं। लेकिन अभी बेटा सिचुएशन कंडीशन कैसी आपकी है, ये आपकी ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना हो जाएगा आपका, आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब चलिए बेटा हम नेक्स्ट रूल बेटा आपका है, आपका फोर्थ रूल है। तो प्यारे बच्चों देखो अब रूल नंबर 4 बेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ अ डिजिट लेस देन 1, अगर बेटा कोई डिजिट क्या आपकी है लेस देन 1 है, एंड ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, जितनी भी जीरो बेटा कहां पर है, डेसिमल के राइट में है, एंड द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए कोई नंबर आपको मैं एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं 0.00325। तो बेटा पहले देखिए नंबर आपका लेस देन 1 है, ये नंबर क्या देखिए आपका लेस देन 1 है। लेस देन नंबर होने के बाद ये सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, एक तो नंबर लेस देन 1 होना चाहिए, उसके बाद देखो ये पॉइंट आपका डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में, इसके डेसिमल के जस्ट राइट में, इस डेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट में, और आपके नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, इसके राइट में, उसके आपका लेफ्ट में। देखो यही तो रूल था आपका, एक तो नंबर क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, और आपके डेसिमल पॉइंट के जस्ट बेटा कहां पर, उसके राइट में, और नॉन जीरो डिजिट की कहां देखो आपका, उसके लेफ्ट में। तो जितनी भी जीरोस बेटा आपकी आएंगी वो बेटा क्या नहीं होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी,
तो इस केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितनी आपकी हो जाएंगी, 3। बेटा कितनी आपकी हो जाएंगी, 3। तो आपको ध्यान रखना है अगर अगर कोई वैल्यूज आपकी ऐसी है जो लेस देन 1 है और डेसिमल पॉइंट के जस्ट बगल में जितनी भी जीरोस होंगी वो आपके जस्ट इधर ना लेफ्ट आपके बिल्कुल उसके राइट में जितनी जीरोस होंगी वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वो कौन सी जीरोस बेटा आपकी होंगी, वो 3। मतलब आपका नॉन जीरो डिजिट के तो लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जितनी जीरोस होंगी बेटा वो आपकी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो इस केस में बेटा आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर बेटा आपका हो गया, आपका 3 हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा रूल नंबर बेटा आपका लास्ट है आपका ये 5th वाला, तो क्या कह रहा है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है आपका, देखिए इसमें इस वाले रूल्स में कोई ऐसा पॉइंट ना आप नहीं है कि आपका कोई नंबर लेस देन 1 होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, वो डेसिमल अगर आपका है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1.4750। अब देखिए जो ये वाला जीरो है ना बेटा आपका, ये डेसिमल के जस्ट बगल में नहीं है, ये बेटा डेसिमल के जस्ट आपका राइट में नहीं है बेटा, कहाँ पर है, ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे है बेटा, कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, डेसिमल के बिल्कुल कॉर्नर्स में अगर आपका जीरोस हैं तो ये इस केस में क्या होगा, डेसिमल ये बेटा क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, मैंने आपको उससे पहले एग्जांपल दिया था, सपोज नंबर आपका है 1, 4, 7, 5, 0। देखो ये आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इस केस में तो कोई जीरो कहां बिल्कुल लास्ट में है, तो इस केस में बेटा क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितने होंगे, ओनली 4 होंगे बेटा, कितने होंगे 4, 1, 2, 3, 4 अगर नंबर आपका डेसिमल वाला नहीं है। देखिए ये नंबर 1.4750 है, देखो दोनों में ये डिफरेंस है, अगर ये डेसिमल अगर यहाँ पर आ गया जीरो लास्ट में है तो इस केस में आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और प्यारे बच्चों अगर ये आपका डेसिमल वाला नहीं है और जीरो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट आपका नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट द 5 रूल्स है ना फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। और प्यारे बच्चों क्लास 11 के नोट्स हमारी वेबसाइट www.premier.com पर जाके भी आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।